हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही करते रहो। चैलेंजर की हालत कुछ ठीक नहीं है, चैंपियन का पलड़ा भारी है। चावल फेंक दिया गया है। इस तरह चैंपियन तीसरी बार अपने टाइटल को बचाने में सफल रहे हैं और इन्होंने इस बार भी लगातार ये टाइटल जीत लिया है। ये टॉवल कैसा था? चैलेंजर ने टॉवल बीच में फेंककर इस बात का सिग्नल दिया है कि वो हार मानता है और इस तरह मैच यही खत्म हो गया। अच्छा ऐसा भी कोई रूल होता है? क्यों है ना मजेदार? नहीं मैंने आपको जितने पैसे दिए हैं आपको उन्हीं से काम चलाना होगा। मैं तो बस 1000 रुपए ही मांग रहा हूँ। मैं आपको 10 रुपए भी नहीं देने वाली हूँ, समझ गए आप? मेरे दोस्तों में से सबसे कम पैसे घर से मुझे ही मिलते हैं। डैड तो मॉम से पैसों को लेकर बहस कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। ये मजाक करने का टाइम नहीं है, क्या तुम उन दोनों के झगड़े को रोक सकती हो? ठीक है मैं इस टॉप टॉवल का यूज करूँगा। अगर तुम किसी का झगड़ा रोकना चाहते हो तो इस टॉवल को उनके बीच में फेंकना होगा और वो रुक जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है तुम मुझे जूस के पैसे अलग से दिया करो, समझी? आप जूस पीना छोड़ क्यों नहीं देते हैं बताइए? कुछ करते क्यों नहीं हो डोरेमोन? अरे इतनी देर हो गई है। हम दोनों इतनी रात को झगड़ा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों। हाँ सही कहा। अरे ये तो बिल्कुल उस बॉक्सिंग मैच जैसा हुआ डोरेमोन। अरे क्या तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? चलो जल्दी जाकर सो जाओ तुम दोनों। हाँ ठीक है मॉम। क्या मुझे इस वक्त एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ जरूर। ये तो बढ़िया है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने तुमसे ये मांगा भी नहीं है। आज हमारा फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट है। अरे नहीं अगर मैं वो जब नहीं कर पाया तो क्या होगा? कितना अच्छा हो अगर आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास कैंसिल हो जाए। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था आज तुम्हारा जंपिंग का टेस्ट होगा। क्या सबने तैयारी की है? बोलो चलो शुरू करते हैं। चलो नोबिता तुम तैयार हो जाओ। आज का टेस्ट कैंसिल हुआ, ठीक है अब तुम सब जाकर आराम से खेल लो। जाओ बच्चों। सर क्या हम बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर लें? हाँ हाँ जरूर कर लो, कल तुम्हारा दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन है उसकी तैयारी कर लो। हाँ मुझे कैप्टन चुना गया है और इसलिए मैं जीतना चाहती हूँ सर। हाँ हाँ तुम जरूर जीतोगी, तैयारी करो। शिजुका मैं तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊँगा। थैंक यू। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, पता नहीं क्या होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी शिजुका, पक्का। शिजुका इधर फेंको। हाँ ये लो। अब मुझे शिजुका को सपोर्ट करना है। नोबिता जरा सुनना। तुम्हें रूम साफ करना है। क्यों? अच्छा तो जरा एक मिनट रुको। आज रूम साफ करने की बारी तुम्हारी ही है। आज रूम मैं साफ कर दूंगा, तुम रहने दो। सच में बाद में मिलते हैं। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं शिजुका के मैच में सपोर्ट करूंगा उसे। नोबिता याद है ना हमारा भी एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, हम उसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे। क्या हमें अभी से फील्डिंग प्रैक्टिस करनी है? लेकिन उसमें तो टाइम है ना जियान। अब बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हारा ये टॉवल ले रहा हूँ। नहीं जियान तुम इसे नहीं ले सकते प्लीज। चलो अब जल्दी से हमारे साथ आओ। हाँ जल्दी करो। मुझे ये टॉवल वापस लेना ही होगा। हे नोबिता बॉल को पकड़ो, समझे? ये लो बॉल पकड़ो जियान।
सुनियो, तुम अपनी इन हिचकियों को बंद करो, समझे? तुमने तो कह दिया पर ये इतना आसान नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना इन्हें बंद करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो। कम ऑन जियान, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है फिर, ये लो नोबिता। सुनियो, मुझे टॉवल दे दो। अरे ये पसीना कितना रिफ्रेशिंग है। चलो दोबारा शुरू करें। जियान टॉवल मुझे भी दो, मुझे भी पसीना पोंछना है। ठीक है अभी देता हूँ, ये लो। मिल गया। आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर खत्म होता है। लगता है मेरी हिचकियाँ बंद हो गईं। चलो शिजुका को चेयर करने चले। हाँ चलो। कम ऑन शिजुका, तुम ये कर सकती हो। ये लो। इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हुआ। देखो जियान, फर्स्ट हाफ की बात स्कोर है 25-13। ये एक आसान जीत होगी। हाँ सही कहा। सुनो शिजुका, दूसरे हाफ में भी अच्छा खेलना। शुक्रिया। अच्छा सुनो सब लोग, हम लोग वापस आएंगे और अपनी बेटी को ले जाएंगे। पता शिजुका को पास करनी है। चलो सब अपनी अपनी टॉवल ले लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे हमारे पास एक टॉवल कम है। नोबिता मुझे अपना टॉवल देना। ये वाला नहीं। शिजुका तुम ये टॉवल ले लो। थैंक यू वेरी मच। नहीं शिजुका वो मत लेना। मैं मैच को यहीं रोक रही हूँ, ओके? मैच क्यों रोका गया है? ऐसा क्यों हुआ? हमने आज के मैच के लिए कितनी मेहनत से प्रैक्टिस की थी, हम जीतने ही वाले थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। डोरेमोन। क्या? शिजुका का मैच पूरा नहीं हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ डोरेमोन, और शिजुका जीतने वाली भी थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझसे वो टॉवल ले गए थे। मुझे माफ कर दो। शिजुका ग्राउंड में ही रोने लगी थी। मुझे शिजुका को देखकर बहुत दुख हुआ। क्या कुछ नहीं हो सकता? अगर एक बार किसी मैच को रोकने के लिए उस टॉवल का यूज किया जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या मुझे नोबिता के लिए कुछ करना चाहिए? ठीक है, मैं टाइम मशीन की मदद से उस टावर के फेंकने से पहले के टाइम में जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं यहाँ एक साधारण सा टॉवल रख देता हूँ, इससे मैच चलता रहेगा। इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हुआ। चलो सब अपनी अपनी टॉवल ले लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे हमारे पास एक टॉवल कम है। नोबिता मुझे अपना टॉवल देना। हाँ, ये वाला नहीं। शिजुका तुम ये टॉवल ले लो। थैंक यू वेरी मच। नोबिता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसके टॉवल फेंकने के बाद भी मैच नहीं रुका, कमाल है। मजा आ गया। शिजुका दूसरे हाफ में भी बहुत अच्छा खेलना, तुम ये कर सकती हो। डोरेमोन एक खुशखबरी सुनो, शिजुका की टीम जीत गई है। सच में? पता है डोरेमोन, शिजुका ऐसे खेल रही थी, शू शू। मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें तो मेरे चेहरे पर खुशी दिख ही रही होगी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आ गए नोबिता,
अब जल्दी से जाकर मार्केट से मेरे लिए कुछ सामान ले आओ। हाँ? क्या अभी जाऊँ मॉम? हाँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जल्दी से चले जाओ प्लीज। मैं चला जाऊंगा मॉम। तुम बहुत अच्छे हो नोबिता, थैंक यू। मैं कुछ सामान लाने मार्केट जा रहा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ डोरेमोन, मैंने इसे तुमसे बिना पूछे जो ले लिया था। लगता है नोबिता थोड़ा समझदार हो गया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ओह!